और इस वक्त पश्चिम बंगाल का हम रुख कर रहे हैं। संदेश खाली पहुंच गए हैं शुभेंदु अधिकारी, नेता विपक्ष हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दो बीजेपी नेताओं को इजाजत दी गई थी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष जो हैं उन दोनों को इजाजत दी थी, और साथ ही हाईकोर्ट ने ये हिदायत भी दी थी कि सुरक्षा कर्मियों के साथ ही शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जाएंगे। उधर सीपीएम नेता बृंदा करात को भी इजाजत मिल गई है। पीड़ितों से मिलेंगे ये सभी नेता, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। और टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण का यहाँ पर आरोप लगा है, हिंसा का आरोप यहाँ पर लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा तनाव वहाँ पर पैदा हो गया है, क्योंकि जब ये लोग मिलने जा रहे थे तब भी वहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। देखिए, संदेश खाली में स्थिति अभी नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो बात है कि आज राजनीतिक जो डेलीगेशन है उनके जाने का प्लान था। जब सुबह यहाँ पे पहले लेफ्ट के एक टीम पहुंचे बृंदा करात के नेतृत्व में, पूर्व सांसद बृंदा करात के नेतृत्व में, उनको भी रोक दिया गया। फिर शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे, जो नेता विपक्ष है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, उनको भी रोक दिया गया। इसके बाद डिवीजन बेंच के पास मामला पहुंचे। डिवीजन बेंच ने कहा कि देखिए, दो जो विधायक है शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष, उनको उनके सिक्योरिटी के साथ जाने दिया जाएगा, उनके समर्थक उनके साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी और उनके सिक्योरिटी एक बोट में क्रॉस करके उस तरफ चले गए हैं, नदी के उस तरफ संदेश खाली अभी पहुंच गए हैं। बृंदा करात को भी जाने दिया गया है, लेकिन वो इस वक्त बोट में चढ़ के वहां उस तरफ जाएंगे। और दोनों डेलीगेशन जो है, लेफ्ट और बीजेपी के डेलीगेशन को आज हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जाने दिया गया है। एक डेलीगेशन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंच चुके हैं नदी क्रॉस करके, दूसरी तरफ बृंदा करात जो है वो अभी कुछ ही देर में बोट में नदी क्रॉस कर नाव में वो भी संदेश खाली पहुंचेंगे। इसको लेकर आज सुबह एक यहाँ पे पुलिस की बैरिकेड बना दी गई थी, क्योंकि पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिवीजन बेंच मूव किया था। डिवीजन बेंच के खिलाफ उस डिवीजन बेंच हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उनका ऑर्डर आया कि दो एमएलए को जाने दिया जाए उनके सुरक्षा कर्मी के साथ। और यह अभी हुआ है, बीजेपी के जो दो विधायक है उनको जाने दिया गया है। साथ में जो सीपीआईएम के पूर्व सांसद है बृंदा करात, उनको भी जाने दिया जा रहा है। वो कुछ ही देर में संदेश खाली पहुंचेंगे, जब अगले जो बोट आएंगे उसमें क्रॉस करके। जी सर, अब यहाँ पर संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, ऐसे में सरकार का क्या रुख यहाँ पर नजर आ रहा है, किस तरह के एक्शन लेती हुई सरकार यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पे सरकार द्वारा जो कहा गया है उसमें सरकार ने एक महिला के जो स्टेटमेंट है एक मैजिस्ट्रेट के सामने, 164 जो सीआरपीसी है उसके तहत मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट आया है उसमें शारीरिक अत्याचार और रेप के सेक्शन स्टेटमेंट में अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट के आधार पर जो सेक्शन है वो एफआईआर में जुड़े गए हैं। 17 लोग अरेस्ट हुए हैं, साथ साथ जो मुख्य आरोपी जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा वो आरोप है, जो शेख शाहजहां के एड्स माने जाते हैं उत्तम सरदार और शिवू प्रसाद हजदा, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा। शेख सरवत शाहजहां अभी भी लापता है, उनको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। पुलिस के डीजी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जो केस शुरू किया था उस केस में ईडी ने रोक लगा दी है, तो अब ये जिम्मेदारी बनती है ईडी का कि ईडी को उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो लेकिन जरूर यहाँ पे शेख शाहजहां को लेके एक सवाल है कि वो कहाँ है और क्यों उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं प्रशासन, इसको लेकर एक जरूर एक जो चिंता है वो है। लेकिन ईडी, आपको पता होगा जब ईडी 5 जनवरी को यहाँ पहुंचे थे शेख शाहजहां के घर पे तलाशी लेने के लिए, तब उनके ऊपर हमला हुआ था और उस समय से शेख शाहजहां लापता है।